हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता है कि होली आने वाली है और हमारे कान्हा जी को होली कितनी ज़्यादा पसंद है आप सबको पता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कान्हा जी के लिए पिचकारी और रंगों वाली बाल्टी। तो इसके लिए हमें चाहिए एक स्प्राइट की बॉटल, आपके पास जो भी बॉटल अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं, और ये इंजेक्शन खाली। तो मैंने ये खाली स्प्राइट की बॉटल ली है, इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे कट करके कुछ ऐसा शेप तैयार करेंगे। मेरे कान्हे छोटे हैं इसलिए मैंने छोटा कट किया है। अब हम इन्हें मोतियों से कुछ इस तरह से डेकोरेट करेंगे। अब इसकी कैप को मैं लेस की हेल्प से छिपा दूंगी। उसके बाद मेरे पास ये स्टोन वाली लेस थी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, तो मैंने इससे डेकोरेट किया है इसे। बीच में खाली ना लगे इसलिए मैं इसमें कुछ मोती ऐड करूंगी, थोड़े लंबे मोती हैं तो ये यहाँ के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। ये कैप पूरी तरह से छिप गया है। अब हम इसका बेस तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ये ग्लिटर पेपर लिया हुआ है, इसको मैंने सर्कल शेप में कट कर लिया। अब हम इस पर पेस्ट कर देंगे। इसका बेस रेडी हो चुका है। अब इसे भी हम लेस की हेल्प से डेकोरेट करेंगे। मेरे पास ये लोहे की तार है पतली वाली, इसको कहीं से भी हम बेंड कर सकते हैं। तो मैं इसका एक छोटा सा पार्ट लूँगी और इसकी हेल्प से मैं बाल्टी का हैंडल बनाऊँगी। ये इसको मैं गोल्डन लेस की हेल्प से इसको कवर कर दूँगी तार को। बाल्टी का हैंडल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे बाल्टी में पेस्ट करूंगी और इसके अंदर दो मोती भी ऐड कर दूंगी, जिससे कि बाल्टी का हैंडल बहुत ही मजबूत हो जाएगा, कहीं से निकलेगा नहीं। मेरे कान्हा जी बहुत छोटे हैं तो इसलिए मैंने ये छोटा वाला इंजेक्शन लिया है। तो ये मार्केट में 3 से 4 रुपये में मिल जाता है, ये मैंने 4 रुपये में लिया हुआ है। और अब इसको मैं गोल्डन लेस से कवर कर दूंगी जिससे ये दिखे ना। अब इसे और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं इसमें स्टोन वाला लेस लगाऊंगी और इसके ऊपर मैं ये गोल्डन लेस लगा रही हूँ जिससे ये इसका टॉप छिप जाए।
अब इसके ऊपर मैं एक मोती ऐड करूंगी। बिल्कुल परफेक्ट साइज का मुझे मोती मिल गया था। ये कान्हा जी की पिचकारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।